Assalamualaikum, 3 class. Today date is 19 May and the day is Wednesday. बेटा हमने कल जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था इसकी ट्रांसलेशन एंड रीडिंग थी, आज हम जो आगे नेक्स्ट करेंगे देखिएगा। देर आर सिक्स यंग कॉल्स, देर वर वहाँ थे सिक्स यंग कॉल्स, छः नौ कम सिन बछेरे या नौजवान बछेरे इन द मिडो चरागाह में बिसाइड्स मी मेरे अलावा, बिसाइड्स मी मेरे अलावा चरागाह में छः नौजवान या छः कम सिन बछेरे थे। दे वार ओल्डर देन आई वाज, दे वार ओल्डर वो बड़े थे, उम्र में बड़े, ओल्डर कहते हैं उम्र में बड़ा होना, देन आई वाज मुझसे, वो मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़े थे। सम वार नियरली, सम वार कुछ थे, नियरली तकरीबन, एज लार्ज इतने बड़े, एज ग्रोन अप हॉर्सेस जितने के बालिग घोड़े, चंद तो बालिग घोड़ों जितने बड़े थे। आई यूज़ टू रन विद देम, मैं उनके साथ भागता, एंड हैड ग्रेट फन और खूब मज़े करता। वी यूज़ टू गैलप, गैलप बेटा होता है सरपट भागना, सरपट भागना। ऑल टुगेदर इकट्ठे, राउंड एंड राउंड चक्कर पर चक्कर लगाते, द फील्ड खेत का, एज हार्ड एज वी कुड गो अपनी पूरी ताकत के साथ, इतना जितना काम कर सकते थे मतलब कि अपनी पूरी ताकत के साथ। वी यूज़ टू गैलप ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो, हम सब पूरी ताकत से सरपट भागते हुए खेत के चक्कर पर चक्कर लगाते। समटाइम्स वी हैड रादर रफ प्ले, रफ प्ले मतलब लड़ाई हो जाती थी कुछ बाज़ुकात हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाता था। फार क्योंकि दे वुड फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो अक्सर बाइट काटते थे, एंड किक और टांगे मारते, एज वेल एज गैलप सरपट भागने के साथ साथ, क्योंकि वो सरपट भागने के अलावा अक्सर काटते और टांगे मारते थे। वन डे एक दिन, व्हेन दे वाज अ गुड डील ऑफ किकिंग, वन डे एक दिन जब बहुत ज़्यादा टांगे मारी गई, माय मदर विनीड मेरी माँ विनीड हिनहिनाते हुए बुलाया, टू मी मुझे, टू कम टू हर कि मैं उन, मेरी मदर ने मुझे हिनहिना कर अपने पास आने को कहा। एक दिन जब बहुत ज़्यादा टांगे मारी गई, मेरी माँ ने हिनहिना कर मुझे अपने पास आने को कहा, एंड देन शी सेड और फिर उन्होंने कहा, आई विश यू मैं चाहती हूँ टू पे अटेंशन कि आप तवज्जो दें, टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू कि मैं जो कुछ आपको कहने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप जो मैं आपको कहने वाली हूँ उस पर पूरी तवज्जो दें। द कॉर्स हु लिव बछेरे जो रहते हैं हेयर यहाँ, आर वेरी गुड कॉर्स बहुत अच्छे बछेरे हैं, बट दे आर कार्ट हॉर्स कॉर्स लेकिन वो छकड़े के घोड़ों के बछेरे हैं, एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्नड मैनर्स इसलिए उन्होंने मैनर्स तमीज़ इसलिए उन्होंने तमीज़ नहीं सीखी। यू हैव बीन वेल ब्रेड अच्छी तरबियत होना, आपकी अच्छी तरबियत हुई है, एंड वेल बोर्न और आप अच्छे खानदान में पैदा हुए हो। योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम आपके बाप का एक बड़ा नाम है, इन दिस पार्ट्स इन इलाकों में आपके बाप का एक बड़ा नाम है। एंड योर ग्रैंड फादर वन जीता कप 2 ईयर 2 साल एट द न्यू मार्केट रेसिस आपके दादा ने न्यू मार्केट की रेस दौड़ों में 2 साल कप जीता था। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर बेटा कहते हैं नरम मिजाज को। ग्रैंड मदर दादी अम्मा ऑफ एनी हॉर्स किसी भी घोड़े से, आई एवर न्यू जिसको मैं जानती हूँ आपकी दादी अम्मा हर उस घोड़े से जिसको मैं जानती हूँ से ज़्यादा नरम मिजाज थी। एंड आई थिंक और मेरा ख्याल है, यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट और मेरा ख्याल है कि आपने मुझे कभी टांग मारते हुए या काटते हुए नहीं देखा। आई होप मैं उम्मीद करती हूँ यू विल ग्रो अप कि आप बड़े होकर जेंटल शफीक एंड गुड और अच्छे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बड़े होकर शफीक और एक अच्छे बनोगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज नेवर कभी भी नहीं लर्न सीखोगे बैड वेज बुरी आदतें और आप कभी भी बुरी आदतें नहीं सीखोगे। डू योर वर्क अपना काम करो विद अ गुड विल अच्छे दिल से अपना काम करो। लिफ्ट योर फीट अपने पांव उठाओ आप ऊपर वेल अच्छे तरीके से। व्हेन यू ट्रॉट बेटा कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता भागना जब तुम आहिस्ता आहिस्ता भागो तो अपने पांव अच्छी तरह से ऊपर उठाओ। एंड नेवर बाइट और कभी भी नहीं काटो और किक और या टांग मारो इवन इन प्ले खेल में भी काटो या टांग नहीं मारो। आई हैव नेवर फॉरगॉटन बेटा
भूलना, मैंने कभी भी नहीं भूला ये। माई मदर्स एडवाइस, एडवाइस नसीहत, माई मदर्स अपनी माँ की, मैंने अपनी माँ की नसीहत को कभी नहीं भुलाया। आई न्यू, मैं जानता हूँ, शी वाज अ वाइज, मैं जानता हूँ कि वो एक अक्लमंद ओल्ड बूढ़ी हॉर्स घोड़ी है। मैं जानता था कि वो एक बूढ़ी अक्लमंद घोड़ी थी। एंड आवर मास्टर, और हमारा मालिक थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, और मेरा हमारा मालिक उसको बहुत अहमियत देता था। हर नेम वाज डट्स, उसका नाम डट्स था, बट ही ऑफन, लेकिन वो अक्सर, ऑफन अक्सर, लेकिन वो अक्सर कॉल्ड हर पेट, लेकिन वो अक्सर उसे पेट कहकर बुलाता था। उसका नाम डट्स था, लेकिन वो अक्सर उसे पेट कहकर बुलाता था। आवर मास्टर वाज अ गुड, हमारा मालिक एक अच्छा काइंड मेहरबान मैन आदमी था। हमारा मालिक एक अच्छा मेहरबान आदमी था। ही गेव अस गुड फूड, वो हमें अच्छी खुराक देता था। बेटा आपने यहाँ तक इसको याद करना है, इसको इसकी रीडिंग भी अच्छी तरह से और ट्रांसलेशन अच्छी तरह से याद करनी है, और इसकी फिर वीडियो बनाकर आपने ग्रुप में सेंड करनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।